भारत में घटी एक ऐसी पैरेलल यूनिवर्स की घटना जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। ये कहानी है वासु भनोट नाम के एक व्यक्ति की। बात है 13 अक्टूबर 1965 की, जब वासु अपने गांव सतराली जाने के लिए निकला। अक्सर पहाड़ी रास्तों पर सफर करना थकान भरा होता है और इसीलिए वासु वहां पर कुछ देर आराम करने के बाद वहां से निकल गया और थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक धुंध का गुबार दिखाई दिया। पहाड़ी इलाकों में फॉग होना एक नॉर्मल बात है। यही सोचकर वो उस फॉग को पार कर गया और उस फॉग को पार करने के बाद उसे अपना गाँव दिखाई दिया। पर उसे एक अजीब बात ये लगी कि जो झील उसके गाँव के साइड हमेशा होती थी वो अब वहाँ नहीं थी। अब वासु अपने गाँव पहुंचने की जल्दी में उस नदी के बारे में किसी से नहीं पूछता है और अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। और कुछ देर बाद जब वासु अपने चाचा के घर पहुंचता है तो वो दरवाजे पर खड़े उस व्यक्ति को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वासु ने उसे कभी नहीं देखा था। और जब वासु ने अपने चाचा के परिवार के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो और उसका परिवार पिछले 20 साल से उस घर में रह रहा है। ये बात सुनकर वासु चौंक गया, क्योंकि वो हर साल अपने चाचा से मिलने उस गांव में आया करता था। इसके बाद क्या हुआ देखिए अगले पार्ट में।